झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी का रिजल्ट आ चुका है 31 तारीख को ही। और हमेशा से विवादों में रहने वाला जेपीएससी ने इस बार झारखंड में एक बड़ा निर्णय लिया गया कि 7वीं से लेकर 10वीं तक की जो जेपीएससी थी उसको कंबाइंड करके रिजल्ट जारी किया गया है। मतलब कि जो भी सरकारी कार्यालयों में जो पद खाली रहे थे वो बड़े पैमाने पर अब जेपीएससी का रिजल्ट आने के बाद भरी जाएगी। कई सारे लोग जेपीएससी की परीक्षा कम्पीट किए हैं, चारों ओर जहाँ जहाँ लोग पास किए हैं वहाँ खुशी का माहौल है। और इस बीच पलामू में हम हैं और पलामू का जो मुख्यालय डाल्टनगंज है, डाल्टनगंज से भी एक होनहार जिनके साथ हम अभी बैठे हुए हैं और आपको रूबरू कराएंगे, उन्होंने जेपीएससी का परीक्षा निकाला है। पूरी विस्तार से हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कैसी उन्होंने तैयारी की, कैसे कैसे उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़े, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप अपना नाम बताइए और पूरा पहचान बताइए। सर मेरा नाम आशीष मिश्रा है सर, मेरा गृह जिला सर पलामू है सर, और मैं सर मैट्रिकुलेशन का सर जो डिग्री है सर वो गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल डाल्टनगंज से, और 12th का एग्ज़ाम सर MKDV पब्लिक स्कूल से प्राप्त किया है सर, और ग्रेजुएशन मैंने सर मैथ ऑनर से गोस्नर कॉलेज रांची से किया है सर। इसके बाद 2014 में सर जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, इसके बाद सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया सर, और पिछले 8 सालों से सर मैं आई एम बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। कहाँ से तैयारी कर रहे थे आप? सर प्रारंभिक में सर मैं सर अनिल मिश्रा कोचिंग सेंटर से सर, एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग सेंटर है उनका सर, रांची में ही सर, वहीं से सर मैंने सर प्रारंभिक तैयारी स्टार्ट की थी सर। इसके बाद सर 2016 का जो छठी जो PSC हुआ था सर, उसमें सर मैं PT क्वालिफाई था सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर हम मेंस का परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए थे सर, क्योंकि सर हिंदी मेरा लिटरेचर पेपर था। उस जब छठी जो PSC का रिजल्ट निकला था उस समय हिंदी का मार्क्स बहुत कम आया था। तो इसके बाद फिर ये जो 2021 का एग्ज़ाम है 7वीं से 10वीं सर, उसमें सर मैं क्वालिफाई किया सर। कितना रैंक रहा आपका? सर मेरा रैंक सर 81 रहा सर। 81 रहा सर। और हमको सर असिस्टेंट कमांडेंट झारखंड होमगार्ड सर्विस मिला है सर। अच्छा, वो मिल भी गया? हाँ सर, रिकमेंड हो गया। तो ये आशीष जी थे जिन्होंने बताया कि ये इनका दूसरा अटैम्प्ट था, और शिक्षा दीक्षा उन्होंने पलामू से शुरू की, GGPS से उन्होंने पढ़ाई की, फिर रांची में उन्होंने तैयारी शुरू की, और दूसरे अटैम्प्ट में 81 रैंक लाकर इन्होंने न सिर्फ पलामू का मान बढ़ाया है, बल्कि वो तमाम लोग जो हार जाते हैं हौसला पहले अटैम्प्ट में देने के बाद, उनके लिए भी इनका जो सफलता है वो एक प्रेरणा मिलेगी। और इस बातचीत के लिए आशीष जी की माता जी बिंदु देवी जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसा कि आपको पता है कि वो पलामू इनका गृह जिला है, जोड़ के रहने वाले हैं, और पलामू डाल्टनगंज मुख्यालय में भी इनका घर है। माता जी के सबसे पहले तो बधाई आपको आपके बेटे की सफलता पर। कितने आपके पुत्र और पुत्रियाँ हैं और इसमें आशीष का नंबर कितना है? इसको छोड़ दीजिए। 4 लड़के हैं, एक लड़का है, और सबके नाम नहीं, नाम नहीं, आशीष सबसे छोटे हैं, सबसे मैंने चौथे नंबर पर। अच्छा, चौथे नंबर पर? हाँ, चौथे नंबर पर है। तो कैसा लग रहा है आपके बेटे की सफलता पर? बहुत खुशी की बात है। हाँ, बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा कुल खानदान, नैहर ससुराल सब खुशी से, मैंने उमंग से दम कोई कहीं सूझिए नहीं रहा है, कितना खुशी है। बेटा जब तैयारी करने गए थे या जब पढ़ाई के दौरान, आप लोगों ने यह महसूस किया था कि इस तरीके की सफलता सुनने को मिलेगी? हाँ मिलेगा, हम लोग के असरा था। हाँ, बहुत हम लोग चाहते थे कि बाबू घरे रहो, लेकिन कभी घर पर नहीं रहा, कभी नहीं। होली हो, दशहरा हो, कहता कि माँ हम आ जाएंगे घरे तो 4 दिन हमको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए हम घर पर नहीं आएंगे, हम तैयारी में लगल हैं तो करते रहेंगे। चलिए आशीष जैसे और विद्यार्थियों को भी आप आशीष के 2 शब्द कहिए कि उनको भी सफलता मिले और पलामू का नाम बढ़े। मेरे तरफ से सबके खुशी रहे। हाँ। आशीर्वाद हम दे रहे हैं कि सब जैसे बाबू हमको गांव का रोशन किया, घर का रोशन किया, वैसे सबका बच्चा रोशन करे। मेरे तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सबों की शुभकामनाएं हैं आपके पुत्र के साथ, आपके परिवार के साथ। और हम आशीष जी के माता जी से बातचीत कर रहे थे जिन्होंने बताया कि कैसे लगन आशीष में उन्होंने देखने को मिले, कि घर में नहीं आते थे, तैयारी के सिलसिले में लगातार उनका बाहर रहना होता था, और पूरे परिवार को यह उम्मीद थी कि एक दिन जो ये इतना मेहनत आशीष कर रहे हैं उनकी सफलता ज़रूर कदम चूमेगी, और आज वही JPSC के तौर पर देखने को मिल रहा है। पलामू के विद्यार्थियों के लिए भी यह सीख है, यह
प्रेरणा है कि आशीष जैसे जिन्होंने अपनी कहानी बताई कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया और हौसला और हिम्मत नहीं हारना है, तो हम भी आप तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप इसी मुकाम के इसी कॉन्फिडेंस और इसी डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, ज़रूर एक दिन सफलता चूमेगी। देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।